हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल मैं बहादुर सिंह स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर तीन के बारे में स्टडी करेंगे और इस वीडियो में हम आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या और हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी टॉपिक का किसी भी हेडिंग का परिभाषा रट लेने से परिभाषा पेपर में लिख देने से आप नंबर तो पा जाएंगे बट क्या है कि उसके बारे में आप तह तक नहीं पहुंच पाएंगे कि वास्तव में होता क्या है तो इसी चीज़ को हम आपको इस वीडियो में समझाएँगे देखिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा है हेडिंग आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ध्यान से बस देखते जाइएगा एक बिंदु आवेश है क्या है बिंदु आवेश और बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु है यहां बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक क्या है बिंदु है अब इस बिंदु पर आपको पता होगा बहुत पहले आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में कि किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु पर विभव भी उत्पन्न होता है और अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी तो मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र अगर हम ई बराबर एक बटे फोर पाई अफ साइलेंस नाट इन क्यू बटे आर स्क्वायर विभव एक बटे फोर पाई अब नॉट इन टू क्यू अपन आर और स्थितिज ऊर्जा को दर्शाया जाता है यू से यू बराबर क्या हो गया जीरो हो गया अगर किसी बिंदु आवेश आर दूरी पर कोई बिंदु है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर एक बटे फोर पाई अब सैलेंस नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है और उसी बिंदु पर विभव हो जाएगा एक बटे फोर पाई अपसाइलन्स नॉट इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा आर बट स्थिति ऊर्जा क्या होगी शून्य होगी क्यों होगी अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि किसी एक आवेश के कारण यहाँ पर कितना आवेश है एक है तो किसी एक आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है शून्य होता है ये चीज आप अपने दिमाग में इसी वक्त क्या करें सेट कर लें कि एक बिंद्वनि क्या दिया गया है कि किसी एक आवेश तो यहाँ पर कितना आवेश एक ही आवेश है ना तो एक किसी एक आवेश के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है शून्य होता है तो क्या करें कि इसका मान सुन ना हो तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए दो बिंदु आवेश होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वैद्युत स्थितिज इस फिगर से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य क्यों है क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ही बिंदु आवेश है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य ना हो तो उसके लिए हमें कितना आवेश चाहिए कम से कम दो आवेश या दो से क्या होना चाहिए अधिक आवेश होना चाहिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ते हैं मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू है यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर क्या है माइनस क्यू है ध्यान दीजिएगा अब आपको पता होगा कि सेम नेचर के चार्जेज हैं कितने कैसे हैं सेम नेचर के चार्जेज हैं इसको बोल सकते हैं समान आवेश मतलब समान प्रकृति के क्या है? हैं आवेश हैं क्लियर या इसी को बोल सकते हैं सजाती आवेश तो सजाती आवेश उसे कहा जाता है जहां पर चिन्ह दोनों का सेम हो एक प्लस ए भी है प्लस ए भी है तो सजाती आवेशों के बीच में क्या होता है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है इनके बीच में कैसा बल लगता है प्रतिकर्षण बल लगता है और यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस है तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा आकर्षण बल तो आपको समझ में आ गया होगा सजाति आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजाति आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है यदि इन यदि बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाते हों यदि बिंदु आवेश को एक दूसरे से क्या करते हैं दूर ले जाते हैं या निकट ले आते हैं ध्यान दीजिएगा ये दोनों बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग दूर ले जा रहे हैं या एक दूसरे से क्या कर रहे हैं पास ला रहे हैं ये क्यू वन यहाँ पर है क्यू वन यहाँ पर है ये एक दूसरे से क्या ला रहे हैं पास ला रहे हैं ये भी प्लस में है और ये भी क्या है प्लस में है समझ में आ रहा होगा आपको कि ए भी प्लस में और ई भी क्या है प्लस में है तो यहां पर हमने क्या किया कि दो यदि बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं या एक दूसरे से क्या करते हैं पास लाते हैं तीर लगने का मतलब हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या रहे हैं निकट आ रहे हैं और इस तीर लगने का मतलब है कि एक दूसरे से क्या हो रहे हैं दूर जा रहे हैं है ना तो यदि बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाएँ या एक दूसरे से क्या करें निकट लाएँ ठीक तो उस निकाय पर बाह बल के द्वारा जो कार्य होता है बाइबल के द्वारा क्या होता है जो कार्य होता है या कार्य किया जाता है यही कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित हो जाता है इसी को हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं एक कंडीशन ये हो गया समझने का अब दूसरा कंडीशन आपको समझाते हैं ये फर्स्ट हो गया समझने का तरीका अब हम आपको सेकंड समझाते हैं कि सेकंड तरीके से कैसे समझेंगे मान लीजिए यहाँ पर Q1 वन व क्यू अनंत पर है कहाँ पर है अनंत पर है ध्यान दीजिएगा मान लीजिए Q1 वन व क्यू टू कहाँ पर हैं अनंत पर रखे गए हैं अब ध्यान दीजिए एक बार Q1 को एक बार क्या करेंगे Q2 को तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से Q1 को अनंत बिंदु से किसी बिंदु पर लाते हैं बिंदु हो गया यहाँ पर ए क्या हो गया ए क्लियर समझ में आ गया तो आपको पता होगा कि अनंत पर रखे हुए आवेश Q1 को अगर हम बिंदु ए तक लाते हैं तो बिंदु ए तक लाने में कोई ना कोई तो कार्य हुआ होगा तो इस कार्य का नाम हमने रख दिया W1 क्लियर हो गया और ये जो Q2 है क्या है Q2 तो ये भी कहाँ है अनंत पर है अगर अनंत पर हम Q2 आवेश को कहाँ तक ला रहे हैं बिंदु बी तक ला रहे हैं कहां तक ला रहे हैं बिंदु बी तक तो यहाँ पर बिंदु बी तक लाने में भी कार क्या हो रहा है क्लियर समझ में आ गया अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है क्या है दूरी है यानी निकट ला रहे हैं क्या ला रहे हैं निकट तो इन निकट वाली दूरी का नाम हो गया आर क्या हो गया आर आर हो गया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अनंत बिंदु पर आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में कार्य W1 अनंत बिंदु पर आवेश Q2 जो था इसको बिंदु B पर लाने में कार्य क्या हो गया डब्लू टू हो गया और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गया आर हो गया तो हम बोलें कि कुल कार्य क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा कुल कार्य बराबर कुल कार्य W बराबर W1 प्लस क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा W1 वन प्लस का हो जाएगा डब्लू टू अब इससे भी परिभाषा आपका बन जाएगा अब इससे परिभाषा कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको अब यहां पर हो जाएगा कि यदि दो बिंदु आवेश को ये दो बिंदु आवेश हो गए यदि दो बिंदु आवेश अनंत पर हो यदि दो बिंदु आवेश कहाँ हो अनंत पर हो तो उन दोनों आवेशों को एक दूसरे एक दूसरे के निकट लाने में कृत कार्य ही उसकी ऊर्जा कहलाती है क्लियर समझ में आ गया आपको ध्यान दीजिएगा यदि दो बिंदु आवेश को कितने बिंदु आवेश हैं? दो है यदि दो बिंदु आवेश को अनंत यदि दो बिंदु आवेश अनंत पर हो तो उन दोनों आवेशों को एक दूसरे के क्या निकट लाने में निकट लाने में कृत कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ठीक क्लियर हो गया अब यहाँ पर जो किया गया कार है वही क्या है स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पर किए गए कार की जगह पर हम क्या लिख देंगे U बराबर W1 वन प्लस क्या हो जाएगा W2 हो जाएगा क्लियर समझ में आ गया यहाँ पर डब्लू बराबर डब्लू वन प्लस डब्लू टू था लेकिन यही किया गया कार्य क्या होगा स्थितिज ऊर्जा हो गया तो यू बराबर डब्लू वन प्लस क्या हो गया डब्लू टू हो गया देखिए हो गया ना तो उन दोनों आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में कृत कार्य ही उसकी ऊर्जा कहलाती है अब इसी पर हमारा क्या होता है प्रश्न बनता है पेपर में कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए तो कितने बिंदु आवेश कर रहे हैं दो बिंदु आवेश और दो बिंदु आवेशों से जो निकाय बनेगा ना उसी निकाय की मुझे क्या प्राप्त करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं माना एक निकाय दो बिंदु आवेश Q1 वन व क्यू टू से मिलकर बना है तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया यहाँ पर बी अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की के जो दूरी है वो क्या हो गई आर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गई आर और इस पर हो गया q1 और ये हो हो गया q2. हो गया q2. क्लियर ना और ये जो है अनंत पर है कहां पर है अनंत पर है तो याद रहना चाहिए कि अनंत पर है और अनंत पर परस्पर ये सब निकट लाने पर एक दूसरे के किया गया जो कार्य होता हो यह स्थिति ऊर्जा होती है तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बारी बारी से हल करेंगे कैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q1 है देखिए जब पेपर में पूछेगा दो बिंदु आवेश ऐसे दो बिंदु आवेश बनाइएगा एक Q1 और एक क्या हो जाएगा Q2 Q1 का बिंदु जो है A हो जाएगा Q2 का बिंदु क्या हो जाएगा B इनके बीच की दूरी क्या मान लीजिएगा R अब इसके द्वारा हम कैसे स्थिति ऊर्जा प्राप्त करते हैं एक एक का पॉइंट समझते चलिएगा पहले Q1 के द्वारा प्राप्त किया गया कार जैसे यहां पर मैंने लिख दिया था Q1 के द्वारा प्राप्त किया गया कार क्या है W1 है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है W1। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकाल रहे हैं। इसको ध्यान से देखते चलिएगा पहले Q1 का निकालेंगे तो लिखेंगे Q1 वन आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य किया गया कार्य यानी Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य तो आपको एक चीज पता होगा कि किसी वैद्य क्षेत्र में दो बिंदु आवेश हों और अनंत से Q1 बिंदु पर लाने में किया गया कार्य हो तो वहाँ पर विभव क्या होता है वी हो जाएगा और क्यू टू पर लाने में किया गया कार के द्वारा विभव जो होता है वो क्या हो जाएगा वी वी हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी वी बराबर डब्लू अपान क्यू नाट हो गया यहाँ पर वी ए माइनस वी वी बराबर डब्ल्यू बट क्यू नाट आप पिछले वीडियो में विभवांतर में पढ़ाया था विभवांतर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए ये बन गया वैद्युत क्षेत्र और इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेश हों और दो बिंदु आवेश में यहाँ पर मान लीजिए इस पर उत्पन्न विभव वी है इस पर क्या है वी वी है यहाँ से लाने में किया गया क्या है कार्य है है ना तो किसी परीक्षण आवेश को क्या करता है कि बिंदु आवेश से ए तक लाने में जो कार्य कर रहा है तो उनके बीच में एक विभव का क्या होता है अंतर होता है तो यहां हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट हो जाएगा क्लियर अब हम क्या करेंगे इसमें वी ए माइनस वी वी के जगह हो जाएगा अनंत क्योंकि हमें क्या करा क्यू वन जो है क्यू वन आवेश को कहाँ अनंत से बिंदु ए तक लाने पे तो बिंदु ए अपने जगह पर है तो हमारा वी क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा बराबर यहाँ पर कार्य क्या है मेरा ध्यान दीजिए ये जो फिगर बना है इस फिगर में ध्यान दीजिएगा ये कार्य क्या है डब्लू वन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डब्लू वन अपान क्यू वन हो जाएगा क्या हो जाएगा क्यू वन फिगर को ध्यान से देखिएगा सब अच्छे समझ में आएगा यहाँ फिगर मैं बनाया था ना कि ऐसे आपका ये क्यू वन है यहां से बिंदु ए तक यहाँ पर कार्य क्या है डब्लू वन है ये क्यू टू था यहां से यहां तक डब्लू टू था तो यहाँ पर बिंदु क्या था बी इनके बीच की दूरी क्या था आर था यही तो है अब इसी के अनुसार हमको चलना है ठीक अब यहाँ पर हो जाएगा वी ए माइनस वी अनंत का मान होगा शून्य बराबर डब्लू अपान क्यू वन अब वी ए में शून्य घटाएंगे तो आ जाएगा वी ए बराबर डब्लू अपान क्यू वन हो जाएगा अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा निकल कर डब्लू वन बराबर वी ए इंटू क्यू वन यहाँ तक आ गया ये बंद हो गया ठीक अब ध्यान देना है आपको यहां पर इस फिगर में ध्यान दीजिएगा जब ये जो बिंदु आवेश था और जब बिंदु ए पर नहीं आया था तो बिंदु ए पर उस समय विभव का मान क्या था शून्य था क्या था शून्य था जब कार्य नहीं किया गया था तो यहां पर विभव का मान क्या था शून्य था तो यहां पर हम क्या रख देंगे W वन बराबर वी एक जगह पर शून्य गुड़े क्यू वन तो यहां जाएगा डब्लू वन बराबर क्या आया शून्य निकल कर आया क्लियर समझ में आ गया यहां पर मतलब कह रहा कि प्रारंभिक अवस्था ए पर कोई आवेश नहीं है तब विभव क्या माना जाएगा शून्य माना जाएगा मतलब जो प्रारंभिक अवस्था था पुनः यानी क्यू वन जो था ये प्रारंभिक अवस्था पे था और जब ये W कार्य नहीं किया था तो उस समय विभव क्या था शून्य था इसलिए यहाँ पर वी ए के जगह पर क्या रख दिया गया सुन तो W1 वन बराबर शून्य गुड़े क्यू वन डब्लू वन बराबर क्या आ गया शून्य आ गया ठीक अब इसी तरह हम क्या करेंगे क्यू टू का निकालेंगे किसका निकालेंगे क्यू टू का q2 आवेश को अनंत से बिंदु b तक लाने में किया गया कार्य तो क्या हो जाएगा आपको पता है कि अब हमें फिर उसी प्रकार निकालना तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं डब्लू टू बराबर हो जाएगा वी वी गुड़े क्यू टू तो यहां पर अब हम W2 टू बराबर W2 टू बराबर अब फिगर में देखिए विभव वी आएगा तो विभव वी भी नहीं होता है तो विभव भी वी का फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा कि वन अपान फोर पाई अपसाइलन्स नाट इन टू क्यू वन अपान आर हो जाएगा क्लियर ना तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो विभव होगा वो एक बटे फोर पाई अपसाइलन्स नाट इन टू क्यू अपान क्या होता है आर होता है अब इसी तरह हम क्या करेंगे इस फार्मूले में वी वी के जगह पर हम रख देंगे तो वी वी के जगह पर हो जाएगा एक बटे फोर पाई अपसाइलेंस नाट इन टू ये हो जाएगा क्यू वन अपान आर इन टू क्यू टू हो जाएगा अब यहाँ निकल के आया आपका डब्लू टू बराबर एक बटे फोर पाई अपसाइलेंस नाट इन टू ये हो जाएगा क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर हो जाएगा क्लियर हो गया अब हमें क्या करना इसमें कि बारी बारी से हमको मान रखना है तो हमने निकाल के लाया था कुल कार्य तो डब्लू वन कार्य मिल गया डब्लू टू मिल गया तो आपको पता होगा कि कुल कार्य बराबर कुल कार्य डब्लू बराबर निकल कर आया था डब्लू वन प्लस क्या होता है डब्लू टू तो डब्लू बराबर अब W1 का मान ध्यान दीजिएगा W1 का मान हमने देखे क्या निकाल के लाया है W1 का मान क्या है शून्य है W1 का मान क्या है शून्य है और W2 का मान क्या है एक बटे फोर पाई अब सैलेंस नाट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर होगा अब बारी बारी से मान रख देंगे तो W1 का मान क्या था शून्य था प्लस डब्लू टू का मान क्या है एक बटे फोर पाई अब सैलेंस नाट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर हो गया अब यहाँ निकल के आया W बराबर शून्य में किसी भी अंक को अक्षर को जोड़ेंगे तो मान वही आएगा तो एक बटे फोर पाई अब साल नाट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे हो जाएगा R यहाँ तक हो गया अब आपको पता है कि जो कार्य किया गया था वो वैद्युत ऊर्जा के बराबर है तो यहाँ पर U डब्लू की जगह पे क्या हो जाएगा U तो U बराबर हो जाएगा एक बटे फोर पाई अब साल नाट इंटू टू क्यू टू बटे आर हो गया आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया बहुत ही बेहद और आसान भाषा में आपको बताया गया था हर एक चीज को यह एक अदिश राशि है यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है इसका मात्रक क्या है जूल है इस तरह तो आपने समझ गया कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है U बराबर एक बटे फोर पाइव नाट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर इसी प्रकार हम अनेक बिंदु आवेशों का निकालेंगे किसका निकालेंगे अनेक बिंदु या बोलेंगे दो से अधिक बिंदु आवेशों का दो से दो से अधिक बिंदु आवेशों के देखिए लिखा हुआ दो से अधिक अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अब तक आप केवल पढ़े थे दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लेकिन अब क्या है दो से अधिक है चलिए देखिए दो से अधिक बिंदु आवेशों को कैसे हम ज्ञात करते हैं मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक बिंदु यहाँ पर हो गया आपका Q1, दूसरा बिंदु हो गया आपका Q2 और तीसरा बिंदु हो गया यहाँ पर Q3 हो गया ठीक क्लियर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर इनको हम मिला देंगे ऐसे इसको भी मिला देंगे चलिए तीन बिंदु हो गया Q1, Q2 और क्या है Q3 है अब Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है इसको मान लीजिए r1। क्या मान लीजिए r1। और Q2 और Q3 के बीच की दूरी क्या मान लीजिए r2 मान लीजिए और Q1 और Q3 के बीच की दूरी क्या मान लीजिए r3 मान लीजिए ये हो गया दो से अधिक बिंदु दो से अधिक बिंदु आवेश हो गया ए Q1 Q2 Q3 थ्री ये हो गया दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अब इसका जो स्टेटमेंट देना है ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं लिख नहीं रहे हैं केवल केवल सुनिएगा दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर दो देखिए मिलकर मिला है दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बना निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के निकाय के प्रत्येक आवेश के प्रत्येक आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीज गणती के क्या होता है बराबर होता है फिर से सुनिएगा दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय के प्रत्येक आवेशों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीज गणती योग के क्या होता है बराबर होता है तो ये जो मैं अभी बोला हूं ना इसी के आधार पे देखिए हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं U बराबर U बराबर यहां देखिए Q1 और Q2 है इन दोनों आवेशों के बीच में हो जाएगा U बराबर U12 वन टू प्लस क्यू टू और क्यू थ्री के बीच में क्या हो जाएगा यू टू थ्री प्लस क्यू थ्री और क्यू वन के बीच में है तो क्या हो जाएगा U31 थ्री वन हो जाएगा है ना अब यहाँ समझिए जो मैं भी बोला हूं यही चीज है यहाँ पर कि दो से अधिक बिंदु आवेश तो दो से अधिक बिंदु आवेशों के मिलकर बना जो निकाय है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के प्रत्येक प्रत्येक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बीच योग के क्या होता है बराबर होता है अब बारी बारी से इसको लिख देंगे U बराबर U12 का मान वही आएगा तो लिखेंगे एक बटे एक बटे फोर पाई अब साइलेंस नाट इन टू वन टू लिखा है तो लिखेंगे क्यू वन इन क्यू टू बटे इनके बीच की दूरी क्या है आर वन है प्लस इसी प्रकार यू टू थ्री का कैसे लिखेंगे एक बटे फोर पाई अफ साइलेंस नॉट इन टू यहाँ टू लिखा तो क्या हो जाएगा क्यू टू इन टू क्यू थ्री बटे यहाँ हो जाएगा आर टू प्लस यहाँ पर है थ्री वन है तो यहाँ हो जाएगा एक बटे फोर पाई अफ साइलेंस नॉट इन टू इसका हो जाएगा क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू थ्री इन टू वन है तो क्या हो जाएगा क्यू वन बटे आर थ्री क्लियर हो गया अब हम क्या करेंगे इसको U बराबर इसमें देखिए एक बटेल नाट एक बटे फोर पाई, नाट, एक फोर पाई नाट तीन पद हैं तीनों में आपका एक बटे फोर पाइप नाट मिल रहा तो इसको आप कॉमन ले लेंगे तो जगह एक बटे फोर पाई अब साल नाट ब्रेकेट में हो जाएगा क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर वन प्लस क्यू टू इंटू क्यू थ्री बटे आर टू प्लस क्यू थ्री इंटू क्यू वन बटे आर थ्री हो गया ठीक ये हो गया आपका दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो ये फार्मूला हो गया इसका ठीक क्लियर हो गया आपका ये इसको कुछ ऐसे कर दीजिएगा अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे आपके आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सीख गए और आई होप आप को इस वीडियो में जितना कुछ समझाया गया है बताया गया है सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें मिलते हैं फिर हम अपने नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर जय हिंद जय जै भारत